Bismillahirrahmanirrahim. In today's video, we will discuss about the lungs volume and capacity. So first, we should know what is the importance of this topic, why we study about the lungs volume and capacity, and how we do that, okay, and how the lung volume and capacity affects us or affect our health. But first, and the most important one, we should know that what is lung volume and capacity. As we know कि lungs जो हैं हमारी body के अंदर वो organs हैं जो हमें help करते हैं किस process में, breathing के process में. अब breathing क्या है? Breathing आपकी body के सांस लेने के अमल को कहा जाता है, ठीक है. अब अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो इट विल बी डिफाइन एज द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स. एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ मैकेनिकल प्रोसेस, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द मसल मूवमेंट, एंड दोज मसल्स आर डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स. अब अगर आप यहाँ पे देखो, दैट यहाँ लिखा है दैट इज अ टेकिंग द एयर, ठीक है, मतलब एयर की मूवमेंट इनसाइड योर बॉडी या लंग्स के अंदर एयर आती कहाँ से है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज़ अ नेजल कैविटी. ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस वन टू ऐसे एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि हमारे पास ब्रीदिंग के अंदर कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लंग्स वॉल्यूम एंड द कैपेसिटीज. ओके, अच्छा, दीज लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आर रिलेटेड टू द ब्रीदिंग. हाउ? सो एज वी नो दैट ब्रीदिंग हैज़ टू फेजेस. ओके, फर्स्ट फेज इज टेकिंग द एयर इन, ठीक है, एंड द सेकेंड फेज इज टेकिंग द एयर आउट, आउट एंड इन ऑफ वर्ड दैट इज लंग्स. ठीक है, टेकिंग द एयर इन टू द लंग्स एंड टेकिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स. अब जब एयर आप ड्यूरिंग ब्रीदिंग इट गोज इनटू योर लंग्स, ओके, व्हेन इट एंटर्स इनटू द लंग्स, सो हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि कितने वॉल्यूम में एयर आप अपटेक कर सकते हो, ठीक है, और जब वो एयर आपके लंग्स के अंदर आ रही होगी तो किस आपके लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो इस एयर के लिए अपने अंदर स्पेस बनाए एंड दे एक्सपेंड. Wondering that what makes the lungs to expand when we take in the air into the lungs. Okay, so as we discuss in the structure of the lungs, that the lungs walls are very much elastic. Okay, they are very much elastic. As we take in the air, they expand accordingly. जितनी air आएगी वो उतना ही expand करेंगे ताकि वो उस air को अपने अंदर बेटा क्या कर सके, hold कर सके. Okay, इसी तरीके से जब वो air आप लंग्स से बाहर, टेकिंग द एयर आउट व्हेन इट इज एक्सहेल और व्हेन इट इज पुश्ड आउट ऑफ योर बॉडी, द लंग्स कम्स टू देयर नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है. सो जब एयर को रिलीज किया जाता है फ्रॉम द लंग्स इनटू द एनवायरनमेंट, सो हाउ मच इन वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट. ओके, सो नाउ फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन वी हैव कंक्लूडेड दैट लंग्स वॉल्यूम्स, ठीक है, एंड कैपेसिटीज दे चेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फेजेस ऑफ ब्रीदिंग. ओके, कि हमारे पास जो लंग के वॉल्यूम और जो कैपेसिटी होगी वो ब्रीद इन के टाइम और ब्रीद आउट के टाइम डिफरेंट होती है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग वॉल्यूम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग कैपेसिटी, जिसको अभी हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ लंग वॉल्यूम, ठीक है, कि हमारे पास अगर ब्रीद इन किया जा रहा है दैट इज़ अपटेक ऑफ एयर, उस टाइम जो लंग का वॉल्यूम होगा, लंग के अंदर जो एयर का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ठीक है, और लंग के अंदर कितनी कैपेसिटी आ जाएगी टू होल्ड दैट एयर, ठीक है. देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग वॉल्यूम, देयर आर फोर टाइप्स. ओके, चार तरह के लंग वॉल्यूम्स होते हैं ड्यूरिंग द ब्रीदिंग. फर्स्ट टाइप ऑफ द लंग वॉल्यूम इट इज टाइडल वॉल्यूम, जैसे कि आपकी बुक के अंदर वो मेंशन है, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम. अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ये वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज है,
एक्सचेंज मीन क्या मतलब हुआ कि आप जितनी एयर ले रहे हो उतनी ही एयर एक्सपेल्ड भी कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज किस कंडीशन में, जब आप रेस्टिंग कंडीशन में, जिस तरह के आप अभी हो, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ और आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो दैट इज़ योर रेस्टिंग पोजिशन, ओके। आप कोई हैवी काम नहीं कर रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप कोई हैवीली ब्रीथ नहीं कर रहे, ठीक है। तो दैट इज़ रेस्टिंग पोजिशन, जब आप बिल्कुल क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे होते हो, तो उस दौरान जो ब्रीदिंग होती है, उस दौरान जो वॉल्यूम होता है एयर का इनसाइड योर लंग, उस वॉल्यूम को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 500 मिली लीटर, ओके। अब ज़रा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत कह सकते हो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम समझते हैं व्हाट इज़ टाइडल वॉल्यूम, ओके। अभी तक जो भी बच्चा कंफ्यूज है, इंशाल्लाह आफ्टर दिस एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ओके। सो दिस इज़ योर रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स द नेसल कैविटी, ओरल कैविटी, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई एंड दीज ब्रोंकाई दे ब्रांच्ड इनटू द ब्रोंकियोल्स and these bronchioles open into the small sac like structure which are called as alveoli. Now these alveoli are the structures jisko jaise maine yahan pe aapke sikhe draw kiya hai, these are the structure where all the magic happens, magic of breathing, okay. Ab hum is alveoli se samjhenge kisko, tidal volume ko. Now with the help of this balloon we will try to understand what is tidal volume, okay. Acha yaad rakhna, remember, this is very much important, theek hai. When you do not breathe, when there is no breathing, which means ke koi bhi uptake nahi ho raha air ka, ya air ko aap keh sakte ho it is not expelling out of the your body, the lungs, that doesn't mean ki lungs bilkul is halat mein, no, ठीक है. देर इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ एयर इन साइड योर लंग्स, ओके. देर मस्ट बी एंड देर शुड बी एंड देर इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ एयर इन योर लंग्स. दैट्स व्हाई मैंने एल्वियोलाई को यहाँ पे इस तरह ड्रा किया है, ओके. अब नाउ व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, ओके. अब ये आपकी जो लंग्स हैं दे आर इन द रेस्टिंग पोजिशन व्हेन देर इज़ नो ब्रीदिंग, ठीक है. अभी आपके कोई भी ब्लड से कोई ब्रीद नहीं करा, तो आपकी जो लंग्स हैं दे आर इन देयर रेस्टिंग पोजिशन लाइक दिस, ओके. नाउ यू विल अप टेक द एयर, ठीक है. अब आप जिस तरह सांस ले रहे हो, यू विल अप टेक अ एयर विच इज़ अबाउट 500 मिली लीटर, ओके. लेट्स सी, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एल्वियोलाई के अंदर क्या आ जाएगा, वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा क्योंकि आपने ब्रीद इन किया है, ठीक है. यू विल ब्रीद इन क्वाइट और रेस्टिंग पोजीशन, ठीक है. तो उससे क्या हो जाते हैं, आपके एल्वियोलाई थोड़े से एक्सपेंड हो जाते हैं ताकि वो उस एयर को अपने अंदर होल्ड कर सके, लाइक दिस बलून. अब ये देखो, ये थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा सा फूल गया है, ठीक है. अब ब्रीद आउट क्या है, जब आपने इनटेक किया ऑक्सीजन का, सांस ली, ठीक है, नॉर्मली सांस ली, और फिर उसी सांस को बेटा आप जब एक्सपेल आउट कर देते हो, दैट इज अ ब्रीदिंग आउट लाइक दिस, ठीक है. इट कम्स टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, समझ आ रही है बात की. अब इस इनहेलेशन और इस एक्सहेलेशन की वजह से, जो कि आपने रेस्टिंग फेज में किया है, हमारे पास जो इंक्रीज आया है इन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, देखो ब्लू में नॉर्मल उसकी जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है, और जैसे आपने ब्रीद इन किया तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, विच आई शोड इन द पिंक मार्कर, ओके. तो इस वजह से जो ये इंक्रीज आया है ना, दिस वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है इस पर्पल और पिंक के दरमियान जो वॉल्यूम में इंक्रीज आया है, दिस इंक्रीज इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम. सो अगेन, दिस इज नॉर्मल योर एल्वियोलाई ऑफ योर लंग, ठीक है, एट रेस्टिंग पोजिशन, ठीक है. अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि हमारे पास जो मेल और जो फीमेल होता है, उसका जब लंग रेस्टिंग पोजिशन पे होता है, व्हेन देयर इज नो ब्रीदिंग, ठीक है, तो उसके जो लंग के अंदर जो कैपेसिटी होती है टू होल्ड द एयर, इट इज़ डिफरेंट, ठीक है. मेल और फीमेल का थोड़ा डिफरेंट आ जाता है. फॉर मेल इट इज़ अबाउट 2.5 लीटर ऑफ एयर. अभी जो इसके अंदर रेस्टिंग पोजिशन पे एयर मौजूद है, दैट इज़ 2.5 लीटर,
क्लियर। अब क्या होगा, व्हेन यू अपटेक एयर और व्हेन यू ब्रीथ इन, एल्वियोलाई विल एक्सपेंड, ठीक है, विच मीन्स कि 2.5 लीटर जो कि नॉर्मल उसमें मौजूद था उसमें क्या कितना एडअप हो जाएगा, दैट इज 500 मिलीलीटर, ये भूलना नहीं है, ठीक है। और जैसे ही दोबारा ब्रीथ आउट करेगा नॉर्मली, ठीक है, इट विल गोज बैक टू 2.5 लीटर, विच मीन्स जितना 500 मिलीलीटर लिया था उतना ही बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया, तो दैट इज योअर टाइडल वॉल्यूम। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नाउ let's come to the next, that is, now the next one is inspiratory reserve volume, okay, kis tarah, dekho, this is your lung at its resting position, okay, now you will breathe in, that is of addition of 500 milliliter, which is normal, okay, like this, okay, it will expand like this, alveoli will expand like this, बट अब एक ऐसी कंडीशन आ गई है कि आप नॉर्मल जो ब्रीदिंग है दैट इज़ ऑफ एडिशन ऑफ 500 मिलीलीटर, आप उससे ज़्यादा अपटेक करना चाहते हो एयर का एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। मतलब अगर हम गहरी सांस लेते हैं ना, वी टेक डीप ब्रेथ्स, तो उसके दौरान हमारे पास वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज़ ओके लेट्स सी, so it will become like this, okay, somehow like this, alveoli will expand somehow like this, okay। अच्छा अब देखो कि हमारे पास नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम में जितना हम ब्रीद इन करते हैं दैट इज़ अ 500 मिलीलीटर, लेकिन दिस टाइम वी हैव टेकन अ डीप ब्रेथ, हमने मतलब जितना आप कह सकते हो लंग्स की फुलेस्ट कैपेसिटी तक एक्सपेंड कर दिया है लंग्स को और उसे फिल अप कर दिया है विद एयर, और इस टाइम जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ लंग, दिस इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। वाई इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बिकॉज वी हैव ब्रीद इन द एयर, हमने ब्रीद इन किया, अभी ब्रीद आउट की बात नहीं हो रही, ठीक है। इफ़ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, हमारे पास दिस इंक्रीज, अब देखो टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा हमने एयर को, नॉर्मल से ज़्यादा एयर को हमने लिया है, उसकी अपटेक की है, तो एल्वियोलाई क्या हो गया, इट इज़ एक्सपेंडिंग, ओके। और ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया है, दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जिसके बाद आप मज़ीद अपटेक नहीं कर सकते ऑक्सीजन का, ठीक है। आपकी एक लंग की एक कैपेसिटी है, आप उससे ज़्यादा ब्रीद नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज़ योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके। अब अब जब आपने गहरी सांस ली उसके बाद क्या होगा, यू विल ब्रीद आउट, ठीक है, यू विल ब्रीद आउट टू द टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, एंड देन फ्रॉम टाइडल वॉल्यूम टू द नॉर्मल, ओके क्लियर। अच्छा जो ये हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जो आप एक डीप ब्रेथ लेते हो, टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा वो एयर को इनहेल करते हो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट कुड बी हेल्पफुल ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, दैट इज ड्यूरिंग द फ्लाइट और फ्राइट मोड, ओके। अच्छा लेट्स बैक टू द नॉर्मल पोजिशन ऑफ योर एल्वियोलाई, दिस इज नॉर्मल, ओके, यू नाउ यू विल टेक द टाइडल वॉल्यूम इन लाइक दिस, ओके, एंड द टाइडल वॉल्यूम आउट, विच मीन्स के नॉर्मल ब्रीदिंग, ओके, देन नाउ योर लंग्स हैज कम टू देयर नॉर्मल पोजिशन, ओके, वेन देर इज नो ब्रीदिंग। अब अगर आप मतलब यू वॉन्ट टू एक्सहेल, ठीक है, यू वॉन्ट टू एक्सहेल और यू वॉन्ट टू एक्सपेल द एयर आउट ऑफ योर एल्वियोलाई, आउट ऑफ योर लंग्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, मतलब जिस तरह आपने इनहेल किया था ना इसी तरीके से आप एज मच एज पॉसिबल यू वॉन्ट टू एक्सहेल आउट दैट एयर, जितना भी कोशिश करें लाइक दिस, ठीक है, तो नॉर्मल से भी कम एयर रह जाएगी किसके अंदर, इन योर लंग्स, ठीक है, इन केस ऑफ मेल इट विल बी लेस देन द 2.5 लीटर ऑफ एयर। अब इस कंडीशन में, ठीक है, नाउ दिस वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
ठीक है, कि अब आप इस पोजीशन से ज़्यादा मज़ीद एक्सपायर नहीं कर सकते, मज़ीद एयर का टेक आउट नहीं कर सकते फ्रॉम योर एयर, सॉरी फ्रॉम योर लंग, रिजर्व लग चुका है, ठीक है, तो दैट इज़ अ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, विच इज़ आल्सो अ थर्ड टाइप ऑफ अ थर्ड टाइप ऑफ लंग वॉल्यूम. क्लियर? नाउ द फोर्थ वन इज, अच्छा जो फोर्थ टाइप ऑफ लंग वॉल्यूम है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है. नाउ यू कैन नॉट ब्रीथ आउट लेस देन द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, मतलब आप इससे मजीद अगर ब्रीद आउट करने की चाहो भी तो आप ब्रीद आउट नहीं कर सकोगे, देयर मस्ट बी एयर इनसाइड योर लंग्स. वो जो बची कुची फोर्सिबली एक्सपायरेशन के बाद भी आप मतलब फोर्सिबली एक्सपायर कर रहे हो, एयर को टेक आउट करो फ्रॉम योर लंग्स, बट स्टिल देयर रिमेन्स अ एयर इनसाइड योर लंग. वो जो रिमेनिंग एयर होती है, ठीक है, विच कैन नॉट बी पम्प्ड आउट फ्रॉम योर लंग्स, दैट रिमेनिंग एयर और दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एज रेजिड्यूअल वॉल्यूम. ओके, नाउ लुक एट द कैपेसिटी ऑफ अ लंग्स. जैसे कि हमने वॉल्यूम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ ब्रीदिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैपेसिटी ऑफ लंग्स. ओके, देर आर मेजर, आप टाइप कह सकते हो या आप कह सकते हो उसको टू डिफरेंट उसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, दैट इज़ अ वाइटल कैपेसिटी एंड द टोटल लंग कैपेसिटी. ओके, दे आर वेरी मच ईजी. ओके, परेशान नहीं होना. ओके, वाइटल कैपेसिटी को देखते हैं, ये जैसे कि लंग इट इज़ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इसके अंदर लंग वॉल्यूम है, नॉर्मल एयर का वॉल्यूम है, ठीक है. नाउ इफ यू अप टेक एयर लाइक टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज़ ऑफ अबाउट 500 मिलीलीटर. ओके, टेक इन, लाइक दिस, ओके, एंड टेक आउट, लाइक दिस, ठीक है. लेकिन अब आप मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम जितना इनहेल कर सकते हो, जितना एयर का आप टेक कर सकते हो, विच इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, आप अगर उस एयर को अपटेक करो, दैट यू हैव रीच्ड, नाउ यू हैव रीच्ड योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, विच मीन्स कि एल्वियोलाई विच इज फ्रॉम इट्स नॉर्मल, ठीक है, पर्पल से कितना एक्सपेंड हो गया, ये ब्राउन में जो मैंने शो किया, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है. और आप यहीं से दोबारा मैक्सिमम लेवल पे एक्सपायर करो, विच इज़ द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, के इट रीचेज द रेजिड्यूअल वॉल्यूम, के एल्वियोलाई के अंदर से आप इतना एयर पंप आउट करो दैट इट रीचेज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लाइक दिस, कि ये टाइड नॉर्मल से भी थोड़ा सा कम रह जाए, विच इज द रेजिड्यूअल वॉल्यूम, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. तो दैट कैपेसिटी ऑफ योर लंग टू एक्सपेंड टू इट्स मैक्सिमम स्टेट टू सॉरी इन्फ्लेट आर टू रीच इट्स मैक्सिमम आर मिनिमम स्टेट, ठीक है, कि हमारे पास मैक्सिमम स्टेट तक एक्सपेंड करे और उतना ही आप कह सकते हो मिनिमम स्टेट तक ये दोबारा से आप कह सकते हैं बेटा कंट्रैक्ट करे. दिस कैपेसिटी ऑफ योर लंग इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी, कि ये मैक्सिमम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से, ठीक है, इट गोज टू द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज अ वाइटल कैपेसिटी. ओके, लाइक दिस, फ्रॉम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टू द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये जितना वॉल्यूम ऑफ एयर होता है इनसाइड योर लंग, ठीक है, तो ये जो कैपेसिटी है लंग्स की, दैट इज कॉल्ड एज अ वाइटल कैपेसिटी, विच इज 4000, ठीक है, मिलीलीटर इन मेल एंड इन फीमेल 3100 मिलीलीटर इन फीमेल और इन वुमेन. ओके, अच्छा यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो, इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू कैलकुलेट द वाइटल कैपेसिटी ऑफ योर लंग, ठीक है, ऑफ एनी लंग, तो अगर आप इस फिगर में देखो तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, दैट इज फ्रॉम द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो इस वॉल्यूम के दौरान हमारे पास देयर कम्स द टाइडल वॉल्यूम.
सो दैट्स मीन कि वाइटल कैपेसिटी, ये टोटल वाइटल कैपेसिटी है, तो वाइटल कैपेसिटी कैन बी इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ई आर वी प्लस टाइडल वॉल्यूम टी वी प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आई आर एंड वी. ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द वाइटल कैपेसिटी. नाउ व्हाट इज टोटल लंग कैपेसिटी? ओके, एज वी नो इट इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ आवर लंग्स टू ब्रीद आउट एन एयर. ठीक है, इससे नीचे आप कह सकते हो मजीद आप ब्रीद आउट नहीं कर सकते, आप कितना ही फोर्सिबली एक्शन करो, लेकिन इससे नीचे या इससे बिलो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रीद आउट द एयर. दैट रिमेनिंग एयर इज कॉल्ड एज अ रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, बट समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, इफ देयर इज कम्स एनी काइंड ऑफ इंजरी या कोई भी प्रेशर पड़े लंग्स के ऊपर, कि हमारे पास इट रीचेस द बिलो द रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, दैट इट कॉजेस द लंग्स टू कंट्रैक्ट बिलो द रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, इसके बाद ये एक लिमिट है, अगर इट रीचेस दिस लिमिट, अगर आपका जो लंग है एल्वियोला इट रीचेस दिस लिमिट, इट विल कोलैप्स. ठीक है, इसके बाद जो लंग्स है इट विल नॉट सर्वाइव, इट विल कोलैप्स, और विच कैन कॉज द लंग फेलियर. ओके, सो दैट्स मीन कि अगर हम देखें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दैट द मैक्सिमम लेवल ऑफ एल्वियोलाई टू विच इट एक्सपेंड, एक मैक्सिमम लेवल तक ये जो एक्सपेंड कर सकता है और मिनिमम लेवल तक जो ये कंट्रैक्ट कर सकता है कि इसके बाद ये कोलैप्स हो जाएगा, दैट गिव्स अस द टोटल लंग कैपेसिटी. तो लंग्स की इतनी कैपेसिटी है, सो दिस इज टोटल लंग्स कैपेसिटी. क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस सॉरी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज अ लंग लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इज दैट इट अलाउज अस टू डायग्नोज और टू आप कह सकते हो टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट क्रोनिक लंग्स डिजीजेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज विच आर द क्रोनिक डिजीज. ओके, एंड द नेक्स्ट इज एम्फिसीमा. ओके, सो एज बीइंग अ साइंस स्टूडेंट वी नो दैट द नॉलेज ऑफ a topic, knowledge of any particular topic is not enough to diagnose these diseases. ठीक है, there is a complete method for it. ठीक है, there is a complete आपके सेक्टर एक diagnostic diagnosis होता है which is called as a spirometer. ये spirometry sorry. That is answer to your how. ठीक है, how we measure, how we diagnose these diseases by using the knowledge about the lungs volume and capacity. ठीक है, दैट इज़ अ स्पायरोमीट्री टेक्निक, इट इज़ अ टेक्निक. अच्छा, इस टेक्निक में क्या किया जाता है, दिस टेक्निक्स सॉरी इस टेक्निक के दौरान एक डिवाइस यूज़ किया जाता है इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्पायरोमीटर. अच्छा, ये जो स्पायरोमीटर होता है, डिवाइस होता है, इट इज़ यूज्ड, ये मेयर करता है कि एक जो हमारे पास जो भी डायग्नोसिस के लिए जाता है तो मेयर करता है कि हाउ मच एयर दैट पर्सन कैन ब्रीथ इन एंड आउट, एंड आल्सो हाउ मच ऑफ एयर इट कैन ब्लो आउट विद इम्पल्सिव फोर्स फ्रॉम इट्स बॉडी. ठीक है, और अगर किसी भी पर्सन की, ठीक है, अगर किसी भी पर्सन का जो रिज़ल्ट है उसके रिज़ल्ट में लेस देन 80% आ जाता है कि इट इज़ ब्लोइंग द एयर आउट लेस देन 80%. ठीक है, 80% क्योंकि नॉर्मल है, अगर उससे कम है वो ब्लो आउट कर रहा है और उसकी जो एक्सपायरेशन है उसका रेट 80% से कम है, तो दैट्स मीन दैट पर्सन कैन कंटेन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. क्लियर बच्चे? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. So I hope this video will help you out in the understanding of your topic, that is the lungs volume and capacity. So till then, Allah Hafiz, peace out.